आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने नए साल की शुरुआत में ही राज्य के छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से राज्य के 2,65,000 छात्र छात्राओं को फ्री मोबाइल टैबलेट योजना से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इसी के तहत आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ GGIC राजपुर रोड से किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल की 100 छात्राओं को निशुल्क टैबलेट प्रदान किए। शनिवार को यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 70 विधानसभा में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड में ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 2,65,000 विद्यार्थियों को पठन पाठन के लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट खरीद के लिए प्रति विद्यार्थी को DBT के माध्यम से 12,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत टैबलेट खरीद के लिए राज्य के स्कूलों के 10वीं और 12वीं के 1,69,000 विद्यार्थियों को DBT द्वारा धनराशि दी गई। पिछले दिनों जब कोरोना महामारी काफी चरम पर थी, चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उस समय में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो ऑनलाइन क्लासों में भाग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इस प्रकार का फ़ोन भी नहीं था, इस प्रकार का कोई टैब नहीं था। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि हमारे जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, उसमें कक्षा 10वीं में, 12वीं में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सब मिलाकर 2,65,000 छात्र एवं छात्राएं हैं, उन सभी को हम टैबलेट देंगे। तो आज ये टैबलेट देने का हमने आज से शुरुआत कर दिया है। टैबलेट से DBT के माध्यम से 12,000 रुपये सभी के खातों में भेजेंगे। धामी सरकार की ओर से छात्रों को दी गई मुफ्त मोबाइल और टैबलेट की सौगात से बच्चे काफी खुश हैं। कोरोना महामारी के चलते बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई बच्चों को तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल टैबलेट की सुविधा मिल जाती है, लेकिन अभी भी लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे छात्रों के लिए धामी सरकार की ओर से दी गई ये सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं बच्चों ने मुख्यमंत्री के इस फैसले की जमकर सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद कहा है। पहले तो मैं CM सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें टैबलेट दिया है, और ये टैबलेट का मैं अपने मतलब लाइफ में पूरा यूज़ करूँगी। इससे जो पढ़ाई होती है हमारी, ऑनलाइन पढ़ाई भी हमारी चलती है, मतलब ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, तो इसका मैं पूरा यूज़ करूँगी और मैं अच्छे मार्क्स लाऊँगी। कोविड की वजह से कितना परेशानी हुई? हाँ, कोविड की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि हमारे घर में एक ही फ़ोन था, वो भी पापा के पास, तो इतना हमें मिल नहीं पाता था। पापा ड्यूटी से रात को आते थे, तो उससे मैं पढ़ाई करती थी, मतलब रात को जो नोटिस मैम भेजती थी उससे पढ़ती थी मैं। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसके थ्रू पढ़ूंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब मतलब हमारी जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो हमें बहुत दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब हमें टैबलेट मिल गया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से कितना पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ और अब इससे कितना फ़ायदा हुआ? कोरोना महामारी की वजह से मतलब बहुत दिक्कत हुई, जिन जिनके पास फ़ोन नहीं थे तो वो उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास टैब है, हमें पढ़ाई में बहुत आसानी होगी। कुल मिलाकर कोरोना और ओमिक्रॉन की दहशत के बीच धामी सरकार के पहल छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बस जरूरत इस बात की है कि इस योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंचे, साथ ही बच्चे इन मोबाइल और टैबलेट का सदुपयोग कर पढ़ाई में इसका उपयोग करें। देहरादून से जय भारत टीवी के लिए कैमरामैन तपन सिंह के साथ अंकित काला की रिपोर्ट।